हे गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है बिहार अड्डा 24x7 में। और जैसा कि घड़ी में 7 बज चुके हैं, हम लोग की जीएस की क्लास शुरू हो गई है। और आज का भी टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपको हमने बताया था नूर जहान की कहानी, है ना, कि नूर जहान के साथ अकबर, ये जहांगीर के क्या रिश्ता था, जहांगीर ने उसे पाने के लिए क्या किस हद तक गुजरा, कैसे उन्होंने शेर अफगान को मरवाया। तो पहले सभी का स्वागत कर लेते हैं। कुछ बच्चे आ चुके हैं, मोहित साहब, मीसा भारती, पूजा शर्मा, आशीष रंजन, अपर्णा रंजन, रोशन शर्मा, अपर्णा रंजन, सौम्या, अनुष्का, निधि, डायनमो, खतरनाक नाम है ना, मनीषा भारती, अनन्या एंड साक्षी कैसी है। सभी को सभी का तहे दिल से स्वागत है अड्डा 24x7 बिहार में। और बच्चों, कल हमने देखा था बहुत खतरनाक सीरीज। देखिए, हम लोग जो है लगातार इसको कवर कर रहे हैं, किसको, इस टॉपिक को, कौन से टॉपिक को, मुगल्स को, है ना। मीनाक्षी भी आ गई, चलिए गुड इवनिंग सभी को, है ना। तो कल हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, मुगल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुगल्स पढ़ रहे हैं। जैसे मुगल्स खत्म होगा बच्चों, मुगल्स के बाद आपका हम पोस्ट मुगल भी शुरू करेंगे, है ना। पोस्ट मुगल के बाद फिर आपको मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में ले चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले आपका कवर करवाएंगे हम वर्ल्ड वार फर्स्ट कैसे हुआ, वर्ल्ड वार टू क्या था, नाजी क्या था, जर्मनी क्या था, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रांस रिवोल्यूशन कैसा था। हाँ, यूपी SSSC पेट का पेपर कैसा था बच्चों? अगर आप लोग पहले क्लास व्लास किए होंगे, मेरा तो अच्छा गया वो पेपर, है ना। पेपर अच्छा था, है ना, ठीक है। और यूपी SSSC का पेट का 2 शिफ्ट में पेपर था, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में बच्चों रशियन रिवोल्यूशन, फ्रांस रिवोल्यूशन सब पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीमित नहीं रहेंगे कि ग्रेट मुगल्स पढ़ा के आपको छोड़ दी जाएगी, नहीं। ग्रेट मुगल के साथ साथ आपको हम पूरे वर्ल्ड घुमाएंगे। और वर्ल्ड भी इतना सुंदर हिस्ट्री है बच्चों वर्ल्ड का, कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम सिनेमा देख रहे हैं, मन मुग्ध हो जाएंगे, है ना। तो मैं एकदम जादू टाइप का कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि आप जब हिस्ट्री से, कल भी देखिए बच्चों, जब ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ फील हो रहा होगा बच्चों, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हिस्ट्री पढ़ने वाला ऐसा फील जरूर हो रहा होगा बच्चों कि इमेजिनेशन, है ना। आप इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे आप कबूतर उड़ाने की बात किए तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा कैसे नूर जहान कबूतर को लेके थी, कैसे शेर अफगान को मारे होंगे। तो ये सब इमेजिनेशन आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड, 77 अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो ये सब इमेजिनेशन आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चों, नहीं चलता है कि नहीं। इसे कहानी की तरह देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने सारा सिनेमा चल रहा है ना, इसलिए मैं इमेज डालता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्लाइड में, क्लियर। अगला सुनिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे जन्म हुआ इनका, कैसे इन्होंने नूर जहां के साथ अपना रिश्ता बनाया, कैसे इन्होंने शेर अफगान को मारा, और शेर अफगान को मारने के बाद 9 साल के बेटी के साथ 34 साल की उम्र में इन्होंने विवाह रचा लिया, किसके साथ, नूर जहान के साथ। और नूर जहान जब आते हैं हिंदुस्तान में लाया जाता है उसको, उसको भी रॉयल हरम में भेज दिया जाता है। रॉयल हरम में भेजने के बाद वहां से उनका दबदबा शुरू होता है। नूर जहान केवल वहीं तक सीमित नहीं रही थी, नूर जहान जो है पूरा साम्राज्य को चलाने की कोशिश की, जिसके चलते उनका खुसरो और खुर्रम से भी पंगा हो गया था, है ना। उसके बाद आपको बताया बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का दस्तक शुरू हो गया था इंडिया में, है ना। वेरी गुड पूजा शर्मा, देखिए जो डेली क्लास व्लास करेगा उसको मजा आएगा, है ना। और कोई बच्चे तो मुझसे पढ़े हुए हैं, बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोग तो पक्का बनाए होंगे अच्छे एक साथ, है ना। सुनिए ध्यान से अगला, तो बच्चों बताए थे अंग्रेज का पहली बार दस्तक हिंदुस्तान में कब हुआ। अंग्रेज का पहली बार दस्तक जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर के समय में कौन आए थे? राव साहब आए थे, बताए थे कल आपको। राव जब हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे, वो जो आए थे हिंदुस्तान में, तो जहांगीर के लिए पता था बच्चों, देखिए दुश्मन के साथ अगर मिलना है तो दुश्मन की कमजोरियों जानना पड़ेगा। तो राव ने क्या किया, जाना कि जहांगीर को बहुत शराब पसंद आता है, तो उन्होंने शराब वराब लेके आए बहुत सारे, और शराब लाने के बाद क्या किए, इनको उपहार दिया, और कहा जाता है इनके एक अच्छे पार्टनर बन गए थे, है ना, पार्टनर बन गया इनका। और पार्टनर बनने के बाद ये पक्का कोई प्रियंका जो है ये लड़का है, मुझे शक लग रहा है, ये प्रियंका जो है लड़का है, और लड़की बन के यो यो कर रहे हैं, मारेंगे मुक्का अभी, है ना। ऐसे ऐसे मार्केट में बहुत डेंजर लोग घूमते हैं, नहीं, जो कि एक एक बार तो एक लड़का ने क्या किया कि लड़की का नाम बदल के फेसबुक पे एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल के उससे रिचार्ज करवा ली जियो का 599 का। तो ऐसे ऐसे डेंजर डेंजर लोग मिलते हैं, है ना। ये बच्चों तो यहाँ पे क्या, राव आए, राव आते 3 साल रहते हैं, और यहीं से जहांगीर के साम्राज्य से ही इनका कारोबार शुरू हो जाता है।
अगला सुनिएगा बच्चों ध्यान से, कुछ बातें पहले है ना। अब देखिए जहांगीर के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? देखिए अकबर का बेटा था, अकबर का बेटा कौन था बच्चों? जहांगीर। और जहांगीर के दो पुत्र थे, पुत्र बहुत सारे थे, एक पुत्र का नाम था खुसरो। क्या नाम था? पहला सन का नाम था खुसरो और इन्हीं का दूसरा बेटा का नाम था खुर्रम। सुनिए ध्यान से, अकबर का बेटा था जहांगीर और जहांगीर के दो बेटे थे, एक का नाम था खुसरो और एक का नाम था खुर्रम। अब खुसरो और खुर्रम के साथ क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से, जब अकबर अकबर गद्दी पे था तो अकबर का मन था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे गद्दी पे जो बैठे, सही बोल रहे हैं ना कुछ लोग कि नाम चेंज करने से बात करने का तरीका बदलता नहीं है ना। देखिए अगर आप लड़की बनते हैं तो लड़की वाला हरकतें भी करना पड़ेगा। अब आप लिख रहे हैं आई लव वाइन, कौन लड़की लिखेगी आई लव वाइन? कुछ दिन पहले आपकी विवाह हो रही थी, मारेंगे अभी प्रियंक पड़क पड़क के, प्रियांक के पीछे प्रियंका के पीछे प्रियांक छुपा होगा, नहीं सामने में रहते तो आपको चेक कर लेते अभी हम, है ना, बढ़िया तरीके से। बायोलॉजी फैकल्टी भी हूं मैं, जीएस वाल पढ़ाता हूँ। सुनिए ध्यान से क्या बोले बच्चों, अकबर जो है बच्चों जहांगीर इनका पुत्र था, लेकिन एक खास बात यह है कि अकबर ये चाहता था कि अकबर ये चाहते थे कि मेरे मेरे मृत्यु के बाद मेरे गद्दी पे जो बैठे वो कौन बैठे बच्चों? खुसरो बैठे। कौन बैठे गद्दी पे? खुसरो बैठे। ये एक सी इच्छा थी है ना। क्यों ऐसा इच्छा था अकबर का? अकबर जानता था बच्चों कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा कौन? मेरा बेटा जहांगीर जो है वो बहुत नालायक है, वो बहुत शराब पीता। मैंने बताया था जहांगीर लगभग लगभग 20 गिलास शराब प्रतिदिन पीते थे ना, 20 गिलास। अरे पढ़ाई में ध्यान दीजिए गधों, मारेंगे अभी पटक पटक के, सभी लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए है ना, नहीं तो मारेंगे अभी घुसा। सुनिए कहानी यहाँ पे खेला होवे है ना, खेला होवे सुनिए, खेला है ना, खेला होवे समझिए ध्यान से, अब यह समझ जाइए। सुनिए ध्यान से, तो खुसरो जब 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 जहांग जब अकबर की मौत हो जाती है, अकबर के मौत के बाद खुसरो जो है गद्दी पे बैठना चाहता है, लेकिन इनका पिता जहांगीर यह क्या करता है, खुद से जाके बोलते हैं, जहांगीर खुद से जाके मुकुट पहन लेते हैं, मतलब खुद से ताज पहन लेते हैं, और ताज पहनने के बाद अपने आप को शहंशाह घोषित कर देते हैं। जब यह शहंशाह घोषित करते हैं तो खुसरो को बहुत बुरा लगता है। खुसरो यह सोचता है कि मेरे दादाजी, इनके दादाजी कौन थे? इनके ग्रैंडफादर अकबर थे। तो इनके दादाजी सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं गद्दी पे बैठू, क्या करूं मैं गद्दी पे बैठू, लेकिन गद्दी पे कौन बैठ गया बच्चों? जहांगीर बैठ गया। इसके लिए खुसरो जो है अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। क्या करता है? अपने पिता के खिलाफ बहुत खतरनाक रूप से बगावत कर देता है। उस बगावत की कहानी आपको अभी हम सुनाएंगे, कैसे बगावत हुआ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ कुछ बेटे हैं किसके, कुछ बेटे हैं किसके बच्चों? जहांगीर के, जैसे खुसरो मिर्जा, सहा बेगम, याद कीजिए बच्चों, सहा बेगम जो इनकी चचेरी बहन थी जिससे इन्होंने पहली बार विवाह रचाया था, उसके परवीज मिर्जा है ना, सहीब जमाल बेगम है ना, मोहम्मद खुर्रम बेटा जो हुआ बच्चों है ना, उसके बाद उसके मोहम्मद खुर्रम हुआ था बिल्किस मकानी बेगम से है ना, उसके बाद जहांदर मिर्जा हुआ था, उसके बाद सरियार मिर्जा। तो इनके बहुत सारे बेटे थे ना, बेटा पे बेटा, बहुत सारा बेटा, और बेटियां तो बहुत थी। सुल्तान उन्निसा, इफात बानु बेगम, दौलत उन्निसा बेगम, बहार बानु बेगम, बेगम सुल्तान बेगम है ना, तो साहिब जमाल बेगम, बहुत सारे साहिब जमाल बेगम के साथ भी बेटी, बहुत सारी बेटी, मतलब बहुत सारे बेटे, बहुत सारे बेटियां थी। लेकिन सब बेटा और बेटी को हमें नहीं जानना है, हमें बस दो बेटा के बारे में जानना है। इसका एक बेटा था खुसरो और एक बेटा का नाम था खुर्रम। क्या हुआ बच्चों? मैंने बताया कि अकबर का तहे दिल से इच्छा था कि मैं गद्दी पे कौन बैठू, अकबर का तहे दिल से इच्छा था कि जहांगीर गद्दी पे ना बैठे, और गद्दी पे कौन बैठे बच्चों? खुसरो बैठे। कौन बैठे? गद्दी पे खुसरो बैठे। ये खुसरो साहब है, और खुसरो साहब ने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ, पिता जब अपने आप से ताज पेशी कर दिए थे तो पिता के खिलाफ क्या किया बच्चों? इन्होंने बगावत कर दिया। कौन? खुसरो मिर्जा ने। खुसरो दोनों साइड लिख सकते हैं, खुसरो ऐसे भी लिख सकते हैं, खुसरो मिर्जा। अब सुनिएगा ध्यान से क्या हुआ खुसरो मिर्जा के साथ।
महीने तक है ना, 5 महीने के बाद गद्दी पे किसके बैठने के बाद, जहांगीर के 5 महीने बैठने गद्दी बैठने के बाद क्या किया बच्चों, खुसरो ने अपने दो चहेते लोगों के साथ, एक का नाम था बच्चों अब्दुल रहीम और दूसरा का नाम था हुसैन बेग। क्या नाम था बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, एक का नाम था अब्दुल रहीम और दूसरे का नाम था हुसैन बेग है ना, इन दोनों के साथ मिलके क्या किए, खुसरो ने अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। यह बात पता चला किसको, साम्राज्य मतलब अपना अलग से पिता के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। यह बात जहांगीर को पता चलता है कि मेरा बेटा जो है क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है। इस बात से क्या होता है कि जहांगीर ने खुसरो को क्या किया, गिरफ्त में ले लिया और खुसरो को कहां बंद कर दिया बच्चों, जेल में। कहां बंद कर दिए, जेल में। जब इनको जेल में बंद कर दिया गया, किसको बच्चों, खुसरो को, तो होता क्या है बच्चों, पहले दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चलता है, किसके बीच में, खुसरो के बीच में और जहांगीर के बीच में। दोनों के बीच में लड़ाई होने के चक्कर में क्या होता है कि देखिए, खुसरो ये है खुसरो, और खुसरो के मामा जो थे वो थे मान सिंह। मान सिंह का नाम बच्चों पता होगा आपको, मान सिंह ने राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को कहा, हल्दी घाटी की लड़ाई में हराए थे। और ये है जहांगीर। तो खुसरो है बच्चों अपने अपने भांजा के तरफ से जहांगीर से बात करने जाते हैं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं खुसरो के साथ, खुसरो को आप गद्दी पे बैठा दीजिए, या खुसरो के तरफ से फेवर में बोलते हैं। लेकिन यह जहांगीर इस बात को नहीं मानते हैं, मध्यस्था मतलब मिडिल मैन बन के है ना। फिर से एक बार रिपीट करो कहानी, सुनिए ध्यान से, पहले सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए, हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको, सुनिए क्या हुआ। जहांगीर के दो बेटे, मेन बेटे थे खुसरो एक खुर्रम। खुसरो को गद्दी पे बैठाने का सपना अकबर का था। तो अकबर ने क्या किया, बोल दिया था कि मेरे बाद मेरे गद्दी पे बैठेगा खुसरो। लेकिन जहांगीर क्यों, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, अय्याश था, तो इस बात किसको पसंद नहीं था, इस बात पसंद नहीं था किसको, अकबर को, कि ऐसे लोग बैठेंगे तो मुगल शासन खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे अकबर की मौत होती है 1605 में, तो यह फायदा देखकर 8 दिन के बाद, मतलब उनके अकबर के मरने के 8 दिन के बाद ही कौन गद्दी पे बैठ जाता है बच्चों, गद्दी पे बैठ जाता है जहांगीर। जहांगीर खुद से मुकुट पहन लेता है, सिंहासन ताज पहन के गद्दी बैठ जाता है। यह बात से प्रॉब्लम हो जाता है किसको, खुसरो को। खुसरो ने देखा कि मेरे पिता जो, मेरे दादाजी हमें चाह रहे बैठाने के लिए, लेकिन मेरा पिता बैठ गया तो पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। जैसे पिता के खिलाफ बगावत करता है, तो वहीं पे क्या होता है बच्चों, खुसरो के मामा का नाम था मान सिंह। मान सिंह आते हैं जहांगीर के पास, और जहांगीर को कहते हैं कि क्यों आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप दोनों क्या कीजिए, आपस में सुलह कीजिए और जो अच्छा निर्णय है वो लीजिए। लेकिन बीच में ही मान सिंह को जाना पड़ता है का बंगाल। मान सिंह को किसी युद्ध के लिए, किसी रणनीति के लिए ये जाते हैं का वेस्ट बंगाल। इस बीच में बेचारा खुसरो अकेला पड़ जाता है। जहांगीर देखता है मेरा बेटा मान नहीं रहा है, बस ये आदेश दे देता है अपने सेना सेना को कि तुम ये तुरंत खुसरो को गिरफ्तार कर लो। क्या कर लो बच्चों, खुसरो को तुरंत गिरफ्तार कर लो और उसको जेल में बंद कर दो। बस खुसरो को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता है, किसके आदेश पर, जहांगीर के आदेश पर। अब जहांगीर के आदेश पर देखिए, वहां पे दो गुट बन गया, एक जहांगीर के भी समर्थक थे, एक खुसरो के भी समर्थक थे, है ना, सुनिएगा ध्यान से। तो एक जहांगीर के भी समर्थक थे, एक खुसरो के भी समर्थक थे, दोनों के बीच में पंगा हो गया। तो इनको जब जेल में बंद किया, तो खुसरो ने एक दिन डिमांड किया, क्या डिमांड किया बच्चों, कि मुझे जाके अकबर के मकबरा को देखना है। अकबर का मकबरा कहां था, सिकंदरा आगरा में। तो इन्होंने सिफारिश किया कि मेरे दादाजी का बहुत याद आ रहा है मुझे, और मुझे दादाजी के मकबरा में जाके क्या करना है, सर को टेकना है। तो इनके ये बात को मान ली गई, और 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल 1606 को यह जेल से बाहर निकलते हैं 350 लोग, कुछ लोगों के साथ, ऐसे समझिए, डाटा नहीं समझेगा, कुछ लोगों के साथ क्या करते हैं, यह निकलते हैं अपने अपने जेल से, और जेल से जाने लगते हैं का अकबर के मकबरा के तरफ। इसी बीच में ये क्या करते हैं, वहां से मौका देखकर भाग जाते हैं। मौका देख के भागने के पास बात क्या कहता है कि इनके पास 350 सेना थी, और धीरे 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 बोला जाता है बच्चों, खुसरो के पास भी बहुत सेना थी, क्योंकि जहांगीर को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जहांगीर को पसंद इसलिए नहीं करते, जहांगीर बहुत बड़ा अय्याश टाइप का था, है ना। तो इनकी सेना और 350 से बड़ी हुई बड़ी हुई, ये वहां से भाग गए। भागने के बाद या निकलते हैं, वहां से निकलने के बाद जाते हैं का रास्ता में एक गुरु, सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। कौन थे बच्चों, गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। तो खुसरो क्या करता है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को बोलते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ,
अपने पिता के जो गलत शासन है उसके खिलाफ मैं हंगामा कर सकूं। तो इस केस में क्या होता है कि यह आशीर्वाद लेता है गुरु अर्जुन देव का, और गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद लेने के बाद जब बोला जाता है बच्चों, जब यहां से अर्जुन देव के आशीर्वाद लेके जाने लगते हैं खुसरो, तो वहां पे अर्जुन देव इनको कुछ पैसे भी देते हैं कि लो पैसा तुम्हें अपनी रणनीति या चीजों करने में भी काम आएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद फिर क्या होता है बच्चों कि ये जाते हैं जाते हैं जाते हैं, तो इनको ये पता चल जाता है कि इनके पास पहले खुसरो के पास बहुत कम सेना थी, बाद में खुसरो के पास एक विशाल सेना तैयार कर लिया था। लगभग लगभग बोला था 12,000 सेना उनके पास आ गए। किसके पास? खुसरो के पास लगभग 12,000 सेना थी। किसके 12,000 सेना थी? तो इन दोनों के बीच में जहांगीर बोलता है कि ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मेरा बेटा मेरे खिलाफ बगावत कर दिया है, अगर ये बगावत बड़ा हो गया तो हो सकता है मेरी गद्दी जल जाए। तो ये इस केस में क्या होता है बच्चों, इन्होंने एक भारवल का जगह है बच्चों, भारवल नाम का एक जगह है, वहां पे इनके बीच में, किसके बीच में? जहांगीर के बीच में और खुसरो मिर्जा के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और कहा जाता है जहांगीर ये युद्ध जीत जाता है, और जहांगीर ये युद्ध जीतने के बाद तुरंत खुसरो को क्या करते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं, और गिरफ्त में लेने के बाद जंजीर में बांध कर अपने बेटा को दरबार में लेके आते हैं। कहां थे बच्चों? दरबार में लेके आते हैं। कहा जाता है जब खुसरो मिर्जा को जहांगीर के दरबार में लाया गया तो जहांगीर के आंखों से आंसू निकल रही थी, जहांगीर का और खुसरो मिर्जा है ना कांप रहे थे, मतलब खौफ से कांप रहे थे कि अब मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा पिता मेरा क्या करेगा, मौत के घाट उठा देगा। तो इस केस में क्या हुआ, खुसरो मिर्जा जो है कांपते हुए उसके दरबार में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद क्या कहा जाता है बच्चों, पहले तो इनके दो साथी थे, एक का साथी का नाम क्या था बच्चों, बताएं आपको भी, इनके दो साथी थे, एक साथी का नाम था हुसैन बेग, है ना, इनके दो साथी थे, बताएं आपको नाम, एक का हुसैन बेग और दूसरे साथी का नाम क्या था, अब्दुल रहीम, है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, अकबर जहांगीर कहते हैं कि पहले मैं अपने बेटे को सजा नहीं दूंगा, पहले अपने बेटे को मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो हरकत किया है, मेरे खिलाफ जो बगावत किया है, उस बगावत का क्या परिणाम होता है मैं दिखाना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, कौन, जहांगीर ने हुसैन बेग और अब्दुल रहीम को दोनों को जानवर के चमड़े में चुनवा दिए, मतलब जानवर के चमड़े में डाल के उन दोनों को सिलवा दिए, इस तरह का बच्चे। देखिए जानवर के चमड़े में डाल के हुसैन बेग को और अब्दुल रहीम को दोनों को क्या करते हैं, बैग में बंद करके चुनवा देते हैं, मतलब सील पैक कर देते हैं। और कहा जाता है बच्चों उस जानवर पे उनको बांध कर उनके मुंह को जानवर के गलत मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ उधर क्या करते हैं, घुमा देते हैं, और पूरे शहर में उन दोनों को घुमाते हैं। कहा जाता है इस शहर में घुमाने के दौरान ही 12 घंटे में ही किसकी मौत हो जाती है बच्चों, हुसैन बेग की मौत हो जाती है, और अब्दुल रहीम के साथ भी आगे कुछ चीजें होती है। बाद में जो भी खुसरो के समर्थक थे उन सारे समर्थक को इस तरह से बच्चों देखिए, इस तरह से एक लाठी पे, एक छड़ पे, है ना, इस तरह से एक छड़ पे क्या करते हैं, इनको जब खड़ा कर देते हैं और सभी के पेट में भाला भोंक के डायरेक्ट खड़ा करते हैं। बोला जाता है बच्चों जहांगीर यहाँ पे बैठ जाते हैं गद्दी पे, कहाँ पे, जहांगीर जो देखिए यहाँ सिंहासन में बैठा हुआ है, और कहा जाता है तुम मेरे बेटे को लेके जाओ और उसको ये दृश्य दिखाओ कि जो जहांगीर के खिलाफ बगावत करता है उसके साथ क्या होता है। तो मतलब जो भी खुसरो के समर्थक थे उन सभी समर्थकों के पेट में, बोला जाता है बच्चों गलत तरीके से उनके मतलब भाला को भोग के उनको सीधा आसमान में टांग दिया जाता था, और वहां से घुमाया गया किनको, इनको, किसको बच्चों, जहांग ये खुसरो को, है ना। खुसरो इस बात से पूरा कांपने लगते हैं और खुसरो के डर के मारे हालत खराब हो जाती है कि उन्होंने देखा कि उनके समर्थक के साथ कितनी दुर्व्यवहार हुई थी, उनके दो बहुत खतरनाक लोग, एक का नाम था हुसैन बेग, अब्दुल रहीम, दोनों के साथ डेंजर कांड हो गया, उनके सारे सैनिक जितने लोग उनको सपोर्ट किए उनको भी मार दिया गया। यह बात से बहुत निराश होते हैं और आगे चलकर बच्चों इनको यह भी डर लगता है कि अगर जेल में भी बंद कर दूं मैं किसको, अगर खुसरो को मैं जेल भी बंद कर दूंगा, हो सकता है बाद में फिर वो मेरा बगावत करना शुरू कर दे क्योंकि मैंने इतना खतरनाक बदला लिया है। तो इन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि खुसरो के आंख को फोड़वा दो, कर दो बच्चों, खुसरो के आंख को फोड़वा दो। तो इनके सैनिक जाते हैं और जाके इनके बेटे के आंख में भाला भोंक देते हैं, वही भाला जो नीरज चोपड़ा ने भी फेंका था, और यह हो जाते बेचारे अंधे, क्या हो जाते बच्चों, अंधे हो जाते हैं ना, बेचारा के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, मतलब बच्चे इतना डेंजर कहानी कि
अपने बेटे के साथ इतना खतरनाक बच्चों, सोचिए वहीं पे जहां पे अकबर था, अकबर ने बच्चों हुमायूं के लिए मकबरा बनाने का पैसा दिया था, कंट्रीब्यूट किया था है ना, उनकी बहन को ने बनवाया था, लेकिन पैसा कौन दिया था, अकबर ने दिया था। वहीं पे अकबर ने अपने पिता के लिए भी मकबरा का निर्माण करवाया और अपने बेटा किसके लिए, जहांगीर के लिए भी क्या किया था अकबर ने, अकबर ने जहांगीर के लिए जहांगीर महल का निर्माण किया था आगरा के लाल किला में। सोचिए अकबर ने कितना अच्छा प्रतीक शो किया कि उन्होंने अपने पिता का भी मान रखा और उन्होंने अपने बेटा का भी मान रखा, मतलब पिता के लिए मकबरा और बेटे के लिए क्या बनवाया बच्चों, क्या बनाया, बेटे बेटे के लिए क्या बनवाया उन्होंने, बेटे के लिए बनवाया जहांगीर महल। लेकिन यहीं पे जहांगीर जब पिता बनता है तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत कष्ट में डाला और क्या किया बच्चों, इनके आंख को फोड़वा दिया। जहांगीर की का मतलब खुसरो की हाल ऐसी हो जाती है, लेकिन बाद में कहा जाता है बच्चों बाद में जहांगीर का भी दिल पसीज जाता है, जहांगीर को भी लगता है मैंने गलत किया अपने बेटे के साथ, तो वो वैद्य बुलाते हैं मतलब चिकित्सक को बुलाते हैं। वैद्य को बुलाने के बाद इनके आंख का इलाज करते हैं, इनके आंख के इलाज का इनके आंख के इलाज का किसके खुसरो की आंख का इलाज करवाते हैं, कहा जाता है उसके बाद कभी भी खुसरो का आंख बढ़िया से ठीक नहीं हो पाया। बाद में क्या होता है, खुसरो को ही बच्चों जहांगीर जो है खुर्रम के हवाले कर देता है कि लो खुर्रम अब तुमरे, अब तुमको जो अपने भाई के साथ करना है वो करो। तो खुर्रम देखता है कि अपने भाई को मारने में फायदा है, बाद में कहा जाता है कि खुर्रम अपने भाई खुसरो को मार देता है और खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम पे गद्दी पर बैठता है। जल्दी बताइए बच्चों समझ में आया, जल्दी बताइए यहां तक कहानी सबको समझ में आया। और बाकी लोग कहाँ गए नलायको, इतनी अच्छी चैप्टर है फिर भी आप लोग गायब होते हैं। 10 किताब 10 बुक मैं पढ़ता हूँ बच्चों, तब जाके आपके लिए कलेक्शन लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग गायब रहते हैं। देखिए बच्चों, गद्दी के लिए ना भाई ना भौजाई ना देवर ना साला कोई नहीं होगा, गद्दी चाहिए तो चाहिए है ना, गद्दी का मोह माया। आज के भी पॉलिटिशियन इसी मोर दौर पे चल रहे हैं, आज के पॉलिटिशियन दंगा करवा देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको जीतना है। आज के पॉलिटिशियन आतंकवादी हमला कराते हैं चुनाव के पहले देश में, क्यों करवा देते हैं, क्योंकि उनको मोह माया, उनको क्या करना है, एक सेंटिमेंट लेना है ना, तो इस टाइप की कहानी होती है। तो खुर्रम को मार दिया जाता है। अब बच्चों एक कहानी ट्विस्ट यहाँ पे और है कि यहाँ पे सिख के 5वें गुरु ने मदद किया था किनको, खुसरो को थोड़ा सा पैसा दिया था। तो बाद में बच्चों अर्जुन देव को एक चिट्ठी लिखते हैं, मतलब एक पैगाम भिजवाते हैं कौन, जहांगीर, कि तुमने जो गलती किया मेरे बेटे को जो सपोर्ट किया है मेरे खिलाफ, उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अभी के टाइम में 2 लाख कम लग रहा है, उस समय के टाइम में 2 लाख बहुत खतरनाक था, तो 2 लाख देना पड़ेगा। लेकिन 2 लाख रुपया ये देने से मना कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, जहांगीर आदेश देते हैं कि जाओ और गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके लाओ, और गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके लाया जाता है, और गुरु अर्जुन देव को बच्चों इस तरह से तड़पा तड़पा के जहांगीर मारते हैं कि अभी तक के इतिहास में ऐसी मौत किसी भी सिख गुरु की नहीं हुई थी है ना। कहा जाता है बच्चों इनको एक लोहे के तावा जिसपे रोटी बैठा बनाते हैं ना बच्चों, क्या हुआ, कहा बच्चों, तो ये क्या करते हैं, अर्जुन देव को खौलता हुआ ताला तावा पे मतलब जिसे रोटी बनाते हैं वैसे तावा बैठा दिया जाता है, और गरम गरम तेल इनके सर पे डाली जाती है ना, और बाद में धीरे धीरे इनको फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के बाद गुरु अर्जुन देव को सिख के 5वें गुरु को भी मौत के घाट उतार देते हैं कि तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ा है, ले बच्चों तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। आया बच्चों बात समझ में, तो ये थी कहानी किसके, सिख के 5वें गुरु खुसरो का कहानी था, जिस तरह से किस तरह एक पिता ने अपने बेटे को मतलब सबक सिखाया कि पिता के खिलाफ बगावत करने से क्या होता है। क्लियर, तो ये बहुत मजेदार कहानी थी बच्चों, आप सुनिए अच्छी और ध्यान से। तो जहांगीर के समय में बच्चों दो और चीजें समझिएगा, जहांगीर के समय में एक ड्राइंग मतलब पेंटिंग वेंटिंग का बहुत विकास हुआ था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था अभी यूपीएससी में ही कि उस्ताद मंसूर साहब किनके साम्राज्य में पाए जाते थे। उस्ताद मंसूर क्या थे बच्चों, पेंटर थे जो कि जहांगीर के साम्राज्य में पाए जाते थे। और उस्ताद मंसूर एग्जाम में से पूछे उस्ताद मंसूर किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा पेंटिंग से। तो जहांगीर वाज फैसिनेटेड विद द आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
जहांगीर कला और स्थापन कला के प्रभावित था। अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं, वनस्पतियों और जीवों का वर्णन और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं का वर्णन किया, और उस्ताद मंसूर जैसे दरबारी चित्रकारों को उनके ज्वलंत गद के साथ विस्तृत टुकड़ों के चित्र करने के लिए नियुक्ति किया। मतलब देखिए, जहांगीर जो जो अच्छा काम करता था, जो जो अच्छे अच्छे काम करता था, उस अच्छे काम का ये पेंटिंग बनवा देते थे और उस पेंटिंग को पूरा फेमस करते थे, है ना, पेंटिंग को फेमस करते थे। और उसमें से एक उस्ताद मंसूर थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग इनको लिए बनवाया। जहांगीर टुक हिज कॉन्सेप्शन ऑफ आर्ट वेरी सीरियसली। ही ऑल्सो परसीव्ड पेंटिंग फ्रॉम एम्पायर अकबर पीरियड। एन एक्सलेंस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पेंटिंग डन बाय उस्ताद मंसूर ऑफ म्यूजियम नौबत खान, सन इन लॉ ऑफ लेंसी तानसेन। सोचिए कितना खतरनाक बात है बच्चों, इन्होंने एक बहुत अच्छा पेंटिंग किया था बच्चों, इनका सबसे खतरनाक पेंटिंग है। इन्होंने तानसेन के दामाद का पेंटिंग किया था, इनका नाम था नौबत खान, और ये पेंटिंग बना था, ग्रेटेस्ट पेंटिंग था। नूर जहान वगैरह की भी पेंटिंग बहुत अच्छी पेंटिंग थी। इस तरह के पेंटिंग करके इन्होंने नाम बहुत अच्छा कमाया। क्लियर? तो याद रखिए बच्चों, उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कहानी देख लिया, गुरु अर्जुन देव को कहानी है, मार दिया जाता है। और उसके बाद अब सुनिएगा एक और कहानी। एक चीज और सुनिए बच्चों, जहांगीर के समय में, बच्चों देखिए, जहांगीर के समय में तंबाकू उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन कहा जाता है बच्चों 1600 मेन जो तंबाकू टोबैको जो है, टोबैको जो मेन जो हुआ था, फ्लोरिस मतलब डेवलपमेंट टोबैको का जो हुआ था, वो 17वां सेंचुरी में, कब हुआ था बच्चों, 17 सेंचुरी में टोबैको का मेन प्रचलन हुआ था। लेकिन कहा जाता है बच्चों कि जहांगीर, जब अकबर जो है मक्का मदीना से आ रहे थे, तो वो जब अपने दरबार में पहुंचे थे, तो उनको थकान मिटाने के लिए भी कुछ लोग उनको चिलम दिए थे। चिलम समझते हैं बच्चों, लोग जो पीते हैं चीलम विलम बना के, इस टाइप का होता है ना, देखिएगा एकदम अगोड़ी टाइप का लोग पीते हैं चीलम विलम बना के, एकदम खींचते हैं एकदम धुआं धुआं लगा के ना। तो कहा जाता है बच्चों 17 सेंचुरी में, लेकिन उसके पहले पुर्तगाली, कौन से बच्चों, पोर्तुगीज को माना जाता है कि उन्होंने ही लेके आए थे क्या बच्चों, तंबाकू भारत में, है ना, पुर्तगाली तंबाकू लेके आए थे, और उसके साथ साथ बच्चों आलू भी लेके आए थे। तो उस समय क्या हुआ बच्चों, ये बच्चों तो उस समय क्या होता है कि तंबाकू, तंबाकू को जहांगीर पता चलता है कि उनके साम्राज्य के लोग तंबाकू का बहुत सेवन कर रहे हैं, तो तंबाकू पे, किस पे, तंबाकू पे पूर्ण पाबंदी, है ना, प्रोहिबिटेड कर दिए थे बच्चों, कौन प्रोहिबिटेड कर दिए थे, कौन, जहांगीर ने। यहाँ पूछे बच्चों हु हैज बैंड तंबाकू, तो तंबाकू को पूर्ण पाबंदी लगाने वाले कौन थे बच्चों, जहांगीर थे। क्लियर? याद रखिएगा। अगला सुनिए बच्चों, जहांगीर बस देखिए, जहांगीर कुछ और सुनिएगा, जहांगीर कश्मीर और काबुल का दौरा करके अपने स्वास्थ्य को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जहांगीर कश्मीर की तरफ और काबुल की तरफ घूमने चले गए, सोचे कि मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, है ना। वह काबुल से कश्मीर गया, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण लाहौर लौटने का फैसला किया। देखिए बच्चों, जहांगीर जो है अपने स्वास्थ्य, जहांगीर इतने ज्यादा नशा उसा करते थे, उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं चल रही थी, तो जहांगीर ने क्या किया बच्चों, जहांगीर ने यह किया जहांगीर के पास टैलेंट था। जहांगीर देखिए, जहांगीर के पिता अकबर अनपढ़ थे, है ना, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जहांगीर के बारे में कहा, जहांगीर बहुत इंटेलिजेंट था बच्चों, वो बहुत पढ़ा लिखा था, है ना, बहुत दिमाग था उसके पास, बहुत इंटेलिजेंट था बच्चों। ऐसे नहीं बच्चों वो खुफिया कोका को वहां पे बेच के, बख्तियार कोका को बेच के नूर जहान को उठा लेता है, ऐसा नहीं है ना, ये बहुत टैलेंटेड थे। तो सुनिए बच्चों, स्वास्थ्य के वजह से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कश्मीर और काबुल का दौरा कर रहे थे, और कश्मीर और काबुल के दौरा करने के कारण वहां पे ठंडी पड़ने के कारण ये लाहौर चले गए। कहाँ चले गए, लाहौर। 1627 में भिंबर में सराय सदाबाह के पास कश्मीर से लाहौर की यात्रा के दौरान जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में क्या होता है बच्चों, जहांगीर डाइड ऑन द जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर। ये कश्मीर से लाहौर के दौरान ही क्या होता है बच्चों, इनकी मौत हो जाती नियर सराय सदाबाद इन भिंबर इन 1627। टू एम्बलम एंड प्रिजर्व हिज बॉडी, इनके बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए द इंट्रेल वेयर रिमूव, दोस वेयर बरीड इन बागर फोर्ट नियर भीमल इन कश्मीर। द बॉडी वॉज देन कन्वेंट बाय प्लानकिक टू लाहौर एंड वॉज बरीड इन सहादराबाद, अ सब अर्बन ऑफ डेट सिटी। द इलिगेंट मॉसोलियम इज टूडे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन।
सुनिएगा बच्चों ध्यान से यहाँ पे कहानी कि जहांगीर की जब मौत हो जाती है बच्चों तो जहांगीर को पहले कहाँ पे दफनाया जाता है कश्मीर में, बाद में इनके अवशेष को मतलब चीजों को लेके जाया जाता है कहाँ पे, इनके अवशेष को लेके जाया जाता है कहाँ पे, सादराबाग। सादराबाग कहाँ है बच्चों, लाहौर में, और उन्हीं को इनको वहां पे दफना जाया जाता है। आज के टाइम में टूरिस्ट प्लेस है। जहांगीर वॉज सक्सेडेड बाय हिज थर्ड सन प्रिंस खुर्रम हु टुक द रीनल नेम शाहजहां। और खुर्रम गद्दी पे बैठा है, कैसे बैठा, गद्दी बटा दिए, यही है बच्चों क्या इनके मकबरा है। ये कहां है बच्चों, लाहौर में। तो एक बात याद रखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था बच्चों बाबर का मकबरा कहां था, बागे बाबर में। कहां था बच्चों, बागे बाबर। बागे बाबर कहां था बच्चों, बागे बाबर जो है पहले आगरा में इनको दफनाया गया था, बाद में इनके अवशेष को ले आया गया था काबुल। याद कीजिए बच्चों, तो इनका मकबरा कहां है, काबुल में। उसके बाद बच्चों हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहां है बच्चों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहां है, दिल्ली में। उसके बाद आए बच्चों अकबर, अकबर का मकबरा कहां है बच्चों, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सब पूछता है बच्चों कहां है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और लास्ट में कौन, अभी कौन आए, जहांगीर। जहांगीर की भी मौत हो गई कब, 1627 में। और जहांगीर को जो दफनाया जाएगा, यह दफनाया गया कहां बच्चों, यह दफनाया गया लाहौर में। कहां दफनाया गया, लाहौर में, है ना। सुने वो गाना, लाहौर सी लगदी, सुने ना। तो ये बहुत खतरनाक कहानी है बच्चों। तो किस तरह से पिता और बेटे के बीच में बगावत हुई, जिसका भी क्लास स्टार्टिंग से छूट गया होगा, एक अच्छी कहानी थी खुसरो और खुर्रम की। कल कहानी आपको बताए थे नूर जहान की, ये दोनों क्लास कर लीजिएगा तो मजा आएगा। जहांगीर ने कुछ अच्छे चीजों का निर्माण नहीं किया, जहांगीर ने बड़े बड़े युद्ध नहीं किए, जहांगीर ने युद्ध किया भी तो अपने बेटे के साथ किया। तो ये चारों का मकबरा याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत है बच्चों ये लाहौर में मकबरा। और कहा जाता है बच्चों यही है जहांगीर का मकबरा। और कहा जाता है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं हर साल, है ना, और लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और सेल्फी लेते हैं। क्लियर। तो एक बेटे और मेनली बच्चों इनका साम्राज्य जो है बेटे और दोनों के बीच में रह गया, एक अपना बेटा के साथ लड़ाई चलता रहा इनका, और बेटे और दोनों के बीच में लड़ाई के कारण ही कहानी चलती रही। आया बच्चों बात समझ में। तो ये थी बच्चों जहांगीर की कहानी, कल से बता रहे हैं जहांगीर की कहानी परसों से, है ना। तो जहांगीर की कहानी आप देख चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया सभी को बच्चों। ये थी हमारी कहानी किसके, जहांगीर की। और जहांगीर की अब मौत हो गई, अब गद्दी पे कौन बैठेगा बच्चों, शाहजहां बैठेगा, और गद्दी पे शाहजहां को बैठाएंगे। और शाहजहां का बेटा भी जिसका नाम था औरंगजेब, वो भी अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि उनके पिता जो है ताजमहल बनाने के पीछे बहुत खर्च करेंगे। इस कारण उनका बेटा, उनका बेटा भी जिसका नाम था औरंगजेब, वो भी उसको ले जाके लाल किला के दिल्ली में बंद किए, लाल किला आगरा में बंद कर देते हैं, जहां पे एक बहुत खतरनाक कहानी आएगी कि जहांगीर मतलब शाहजहां को जिंदा रखने के लिए उनकी एक बेटी थी जिन्होंने उनको मिल्क फीडिंग की थी, है ना। बहुत अच्छा कहानी बताएंगे कल बच्चों, है ना। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आएगा शाहजहां की, कि शाहजहां को कैसे जिंदा रखा गया। शाहजहां को कहा था उनकी बेटी ने दूध पिला के अपने पिता को जिंदा रखी थी चुपके से। ये बहुत खतरनाक कहानी है बच्चों। तो ये जो है शाहजहां की कहानी कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग शाहजहां से शुरू करेंगे। क्लियर, ठीक। और कल 9 बजे जुड़ना ना भूले बच्चों, दो टाइम क्लास चलती है यूट्यूब पे, दोनों क्लास को कीजिए तब मजा आएगा आप लोग को, है ना। एक 9 बजे AM में कल करेंगे क्लास, और एक करेंगे कब, शाम 7 बजे। दोनों क्लास कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों क्लास करेंगे तभी मजा आएगा, है ना। सुबह के समय में आपको स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट पढ़ा रहे हैं, और शाम के समय में और भी चीजें। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे कल। थैंक यू एवरीवन। Don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app.